हाय फ्रेंड्स, आज बनाएंगे वेज पनीर पुलाव। प्याज की स्लाइसेस कर ली, गोभी के छोटे छोटे फ्लोरेट्स कर लिए, गाजर को श्रेड कर लिए और सूखे मसाले ले लिए। चावल को आधे घंटे के लिए भिगो दें। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गरम करें और उसमें सूखे मसाले डालें। जैसे ही मसाले गोल्डन हो जाएं, उसमें स्लाइस्ड अनियन डाल दें। प्याज को लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएं और फिर उसमें एक छोटा चम्मच चीनी डाल दें। इससे प्याज बहुत सुंदर कैरेमलाइज हो जाएंगे। अब इसमें मटर डाल दें और मटर को भी हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं और फिर गोभी और गाजर डाल दें। गोभी और गाजर को सॉटे करें और उसमें स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च डालें। ऊपर मसालों के साथ सब्जियों को स्टर करें और फिर इसमें पनीर के पीसेस डालें और हल्के हाथों से एक स्टर दें। इसमें भीगे हुए चावल डालें और 1.5 टाइम्स वाटर ऐड कर दें। पानी डालने के बाद इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए पकाएं। मिनट बाद चेक कीजिए, गर्मा गर्म पुलाव तैयार है। इसे लंच में मसाला कर्ड के साथ एंजॉय कीजिए।